साईं 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 जय राम, साईं 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 घनश्याम, साईं 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 जय राम, साईं 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 घनश्याम। खुशियां देता सबको तमाम, खुशियां देता सबको तमाम, ओम साईं श्री साईं जय साईं राम, ओम साईं श्री साईं जय साईं राम। खुशियां देता सबको तमाम, खुशियां देता सबको तमाम, ओम साईं श्री साईं जय साईं राम, साईं श्री साईं जय साईं राम। और देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा साईं कहानी है, तो पहले अंतरे में आपको वही पता लगेगा कि बाबा किस तरीके से आए, और बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत ही सुनने लायक भजन है। शिरडी में पहले खंडो बाए, शिरडी में पहले महल सापति से साईं कहाए, महल सापति से हुआ फैसला गुरु स्थान के नीचे, साईं नाम के पीछे पेड़ नीम के नीचे था है रहेगा साईं नाम, था है रहेगा साईं नाम, ओम साईं श्री साईं जय साईं राम। सभी ने अपनी दोनों हाथों की तालियां, जय साईं। द्वार कमाई में साईं का डेरा था, द्वार कमाई में सबको संभाला जब कष्टों ने घेरा था, सबको संभाला पानी से दीप जलाए थे साईं ने, ऐसे करिश्मे दिखाए थे साईं, जीना सिखाता है साईं नाम, जीना सिखाता है साईं नाम, ओम साईं श्री साईं जय साईं राम, ओम साईं श्री साईं राम। देखिएगा जिस तरीके से जो लोग इस भजन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उन्होंने जान लिया होगा कि बाबा सबसे पहले खंडोबा मंदिर आए, महालसापति जी के द्वारा उनको साईं का नाम मिला, गुरु स्थान के नीचे फैसला हुआ, पेड़ नीम के नीचे फैसला हुआ, उसके बाद बाबा का रहना सहना द्वारका माई में था, बाबा ने सबको संभाला, जिन पे कष्ट आते थे बाबा ने बहुत साथ दिया, और ये साईं महोत्सव टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और अगर साईं का कर्म इनके ऊपर ना होता तो आज मैं आपके रूबरू ना होता और तमाम कलाकार आप सभी के रूबरू ना होते, तो बहुत शुक्रगुजार, और इससे पता लगता है बाबा का कितना कर्म कमा रहे हैं और यूं ही जिंदगी भर कमाते रहे। तो आइएगा अब
द्वारका माई में रहने के बाद सबके कष्टों का निवारण करने के बाद ये आखिरी अंतरा है, बड़े गौर से सुनिएगा। साईं ने दुनिया की रीत निभाई, बाबा ने दुनिया की, छोड़ शरीर समाधि लगाई, छोड़ शरीर भक्ति के नौ स्वरूप सिक्के दिए थे, लक्ष्मी को और सबसे कुछ वादे किए थे, आऊंगा साईं पुकारोगे ना, आऊंगा साईं पुकारोगे ना। साईं ने दुनिया की रीत निभाई, छोड़ शरीर समाधि लगाई, भक्ति के नौ स्वरूप सिक्के दिए थे लक्ष्मी को और सबसे कुछ वादे किए थे, क्या आऊंगा साईं जब भी पुकारोगे ना। अगर बाबा से बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, मूर्ति रूप में जमाना दर्शन करता है, साक्षात रूप में बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको दर्शन हो पाते हैं, जो बाबा का नाम लेते हैं वो जरूर उनका दर्शन कर पाते हैं। तो आइएगा, गुजारिश करता हूं कि आप एक लाइन मैं गाता हूं, एक लाइन आप गाइए। आऊंगा साईं पुकारोगे ना। कैसे? ओम साईं श्री साईं जय साईं राम। एक बार और, क्या बात है, बहुत सुरीली ऑडियंस है। ओम साईं श्री साईं जय साईं राम। ओम साईं श्री साईं जय साईं राम। साईनाथ महाराज की जय।